दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। इसके पहले हमने क्या देखा, इसके पहले वीडियो हमने कहा था कि हम इसके बाद बहुत ही उम्दा वीडियो लेकर आ रहे हैं। वो क्या था, इसके पहले अगर वीडियो हमारा था कि धारणीय विकास के बारे में हमने बात की थी, जिसको हमने अस्थायी विकास भी कहा था, जिसको हमने कि निर्वहनीय विकास भी कहा था, जिसको हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा, जिसको हमने कि इस तरीके के पांच छह नाम हमने आपको गिनाए थे। उसी के संदर्भ में हमने क्या बनाया है, एक आपका की फिगर बनाया है। तो सबसे पहले एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि धारणीय विकास क्या था। मैंने ये कहा था कि धारणीय विकास वो होता है जो वर्तमान पीढ़ी द्वारा प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए अपनी भावी पीढ़ी के आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर ले जाए, इस प्रकार के विकास को धारणीय विकास कहा जाता है। अब बात आती है कि हमने उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसमें हम किसका किसका सहयोग लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या उसमें हमारे लिए शामिल होनी चाहिए। अब देखिए बीच में हमने क्या लिखा है, इसको लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे एक नया नाम फिर आ गया, समपोषणीय। समपोषणीय का मतलब भी क्या होता है, धारणीय विकास से होता है। समपोषणीय का अर्थ क्या होता है, निर्वहनीय से ही होता है। अब बात आएगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से आएगा, जब क्या होगा हमारा समाज क्या होगा जागरूक होगा, तब जाके क्या होगा हम समपोषणीय धारणीय विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब क्या होगा कि सहनीय होगा हमारा समाज क्या होगा कि हम जो पर्यावरण को हम सहन कर सकें, तब क्या होगा कि हम समपोषणीय विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण हम क्या करें कि अपने पर्यावरण को कहीं कि बचा ले जाएं, जो लगातार हम कि औद्योगिक क्षेत्रों से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का अपनी गाड़ियों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल की लगातार निकाल रहे हैं, अगर इसको नहीं कम करेंगे तो भी हमारा पर्यावरण मतलब कि बेहतर नहीं होगा। जब पर्यावरण बेहतर नहीं होगा तो हमारा संपोषणीय विकास भी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे वायबल हर कोई हर किसी के लिए वो उसके सक्षम होना चाहिए, मतलब कि कार्य करने में वो सक्षम हो कि हम इस तरीके से काम करेंगे, तभी क्या होगा कि हम कि धारणीय विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब बात करना कि आर्थिक, हमको क्या करना, हमको आर्थिक लाभ भी लेना है, हमको अपनी इकोनॉमिक को साउंड करना है, बेहतर करना है, तब भी हम क्या कर सकते हैं कि धारणीय विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमको समता मूलक समाज के बारे में भी देखना है, कहने का मतलब हर किसी को बराबर हक मिले, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विटेबल, मतलब इक्विटेबल कहते हैं। जब ये सभी क्या होंगे, इन सभी को मिलाकर हम विकास करेंगे, तब क्या होगा हमारे लिए, वो क्या होगा, तब वो हमारे लिए धारणीय विकास होगा। अगर हम सिर्फ समाज को देखकर विकास करें तो कभी भी हम धारणीय विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर सिर्फ हम आर्थिक पहलू को ही सोचें तो कभी भी हम धारणीय विकास को की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। हम क्या सिर्फ की समता मूलक को ही देखें, अपने आर्थिक को ना देखें तो भी नहीं। तो सभी को हमको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपनी वर्तमान पीढ़ी को बेहतर चीज़ें दे सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी हम बचा कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम बचा के रख सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है कि सबको साथ लेकर चलना है। जब सबको साथ लेकर चलोगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, धारणीय विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसका पहले ये क्वेश्चन आता है, धारणीय विकास शब्द किसने दिया था, IUCN ने दिया था। फिर बात आती है कि धारणीय विकास की पद्धति को, उसके वर्क सिस्टम को किसने दिया था, परिभाषित किसने किया था, WCED ने। तो यहाँ पे ये शब्द लाए थे, ये परिभाषित किए थे, और ये क्या है, अंतर संबंध है एक दूसरे में, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कि ऑनलाइन पावर बैच स्टार्ट हो चुकी है, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। और हमारे यहाँ अभी तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वहाँ से फीडबैक पॉजिटिव आया है, वो लोग कहते हैं कि सर आपके हम मतलब कि हमने किया है, हमको हम इससे पार हो जाएंगे। तो आप लोग भी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए पावर बैच में,
और अब लाभ उठाइए। और हमारे यहाँ नोट्स भी उपलब्ध है, दोनों फॉर्म में उपलब्ध, सॉफ्ट फॉर्म और हार्ड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करना हूँ, वो कहते हैं धन्यवाद, स्क्रीन शॉट लीजिए।